केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ में एंटी करप्शन की टीम ने शनिवार को भावनपुर थाने के अब्दुल्लापुर चौकी पर तैनात दरोगा विक्रम सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मारपीट के एक मुकदमे में नाम निकालने के एवज में दरोगा 50,000 रुपए मांग रहा था, लेकिन बात 20,000 पर जाकर टिक गई। आज तयशुदा समय पर अब्दुल्लापुर निवासी इमरान चौहान ने जैसे ही विक्रम सिंह को 20,000 रुपए दिए, टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान दरोगा विक्रम सिंह ने भागने की कोशिश करते हुए टीम के साथ हाथापाई भी की। रिश्वतखोरी के इस प्रकरण में महिला दरोगा अर्चना का नाम भी सामने आ रहा है। आरोप है कि अर्चना लगातार दबिश देते हुए इमरान पर दबाव बना रही थी कि वह दरोगा विक्रम से जाकर बात कर ले। देखिए क्या बताया इमरान चौहान ने। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान चौहान। कहाँ के रहने वाले हो? मैं अब्दुल्लापुर। इमरान, किस मामले में रिश्वत मांगी थी दरोगा जी ने? मेरे पे कोई झूठा मुकदमा लिखा गया था। कब लिखा गया था? ये लिखा गया था सर 21 सितंबर को। 21 सितंबर इसी साल? हाँ जी जी जी। इसी क्या था मामला? वो मामला कोई मेरे चाचा का लड़का है। क्या नाम? उसका नाम है समद। हाँ। और मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। हाँ। पूरे समय का एक लड़का है, रईस का लड़का है। हाँ। समीर जी, चुस्सू भी बोलते हैं। तो उनके बच्चों की आपस में लड़ाई हुई थी नमाज के ऊपर। ठीक है। उन्होंने जो है फिर वे घर चले गए थे। तो जो रईस है, रईस ने झूठा मुकदमा लिखवा दिया मेरा वहाँ भावनपुर थाने में जाकर। ठीक है। साथ जाकर शिकायत दर्ज करी थी मैंने सर, ये कोई हो गई 4-5 दिन के अंदर पहले करी मैंने, 4-5 दिन पहले। ठीक है। ज्यादा दबाव आया मतलब उन्होंने पैसे के रिगार्डिंग मुझे घर पे बार बार जाती थी अर्चना मैडम। अच्छा। हाँ, कई दफा गई। कितनी बार चली गई थी? गई में कम से कम 10-12 दफा गई सर। ठीक है। 2 बजे की मैं वहाँ से। विक्रम भी साथ आते थे उनके? नहीं, विक्रम जी साथ नहीं आए। ठीक है, बस उनसे अलग से मिलने के लिए कहती थी वो। हाँ। ठीक है। कॉल भी था। ठीक है। तो उसी रिगार्डिंग मेरे पास फिर अर्चना मैडम आई, उनके अंडर में थी। अच्छा। अर्चना मैडम कर रही थी? अर्चना मैडम कर रही थी। वे उन्होंने जाकर पूरे मोहल्ले में पूछा, मेरे मस्जिद के सामने भी सबसे पूछा कि लड़ाई किसकी हुई थी। सबने बताया कि बच्चों की लड़ाई। ठीक है। तो मैंने मैम ने मुझे बुलाया अब्दुल्लापुर चौकी में। वहाँ हमारे वहाँ चौकी है पिछले ऐसे कोई 20-25 दिन से, सॉरी 8-1 महीने से चौकी है वो। ठीक है। वहाँ बुलाया मैडम ने, अर्चना मैडम ने, तो मैं कहा कि मैं तो झूठा मुकदमा है। तो कहने लगी चलो ये मैं तुम्हारा निमटवा दूंगी, आप जो है विक्रम जी से बात करें। ठीक है। और मैंने विक्रम जी से बात करी, विक्रम जी ने बोला भाई मुझे 50,000 रुपये चाहिए। ठीक है। और मैं इसे हटवा दूंगा। मैं सर मेरे तो झूठा मुकदमा है, कोई वैसे कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। तो कहने लगे हमारी बात हो गई थी 20,000 रुपये। ठीक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।